टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन के प्राइवेट रिचार्ज के बारे में। ये प्राइवेट रिचार्ज है क्या, कैसे काम करता है, कौन सा नंबर हमें डायल करना पड़ेगा, कैसे हम इसमें मतलब जुड़ सकते हैं, वो सब कुछ आप जान पाएंगे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्राइवेट रिचार्ज वाला फीचर है वोडाफोन का, ये सभी के लिए है, लड़के लड़की सभी के लिए। लेकिन ये एक्चुअली डेडिकेटेड है उन लड़कियों उन महिलाओं के लिए जो अपना नंबर बिना शेयर किए रिचार्ज करवाना चाहती हैं रिटेलर से। मान लीजिए कोई लड़की या कोई महिला गई किसी रिटेलर के पास, वहां पे वो रिचार्ज करवाती हैं, लेकिन वो अपना नंबर जो है शेयर नहीं करना चाहती हैं, तो उस वक्त वो एक ओटीपी जनरेट कर सकती हैं, जिससे वो ओटीपी देकर वहां पे अपना रिचार्ज जो है मोबाइल करवा सकती हैं बिना अपना नंबर शेयर किए। तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत सिक्योर है सभी के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे ये करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कितने नंबर पर भेजना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहां पर आपको लिखना है प्राइवेट। प्राइवेट लिखकर आपको भेजना है 12604 में। ये जो है नंबर, ये टोल फ्री नंबर है, इसके लिए कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। इस नंबर पे आप प्राइवेट लिखकर भेज दीजिए। भेजने के बाद एक ओटीपी जनरेट होगा, एक ओटीपी आपके मतलब इनबॉक्स में आएगा। वो इनबॉक्स में जो ओटीपी आएगा उसको आप अपने रिटेलर को दीजिए और उनको बोलिए जितना भी रिचार्ज आपको करवाना है उतना रिचार्ज करवाने को, बस वो रिचार्ज कर देंगे और आपका रिचार्ज हो जाएगा। ये जो ओटीपी है फ्रेंड्स, ये 24 आवर्स के लिए वैलिड है। 24 आवर्स के अंदर आप जितना भी रिचार्ज चाहे कर सकते हैं उस ओटीपी नंबर से। आप उसको दीजिए रिटेलर को, वो रिचार्ज कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये है सिक्योरिटी, बहुत अच्छा सिक्योरिटी लाया है वोडाफोन ने, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि आप बिना नंबर शेयर किए किसी से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। आपका नंबर भी शेयर नहीं हुआ और रिचार्ज भी हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं प्राइवेट रिचार्ज, ये है प्राइवेट रिचार्ज। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, सब कुछ आप जान गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ भी परेशानी रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो चलता हूँ फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।